बस एक ही काम करना है, कैसे भी कोटपुतली को बचा लीजिए आप सब। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने व्यापार खत्म कर दिया, मैं करूंगा परिवार को दान की कुर्बानी। कहीं खुशी कहीं गम, जरा इतना बता दे ए सनम, आखिर क्यों ढाए इतने सितम। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों समेत 41 की नामों की क्या घोषणा की कि कहीं जश्न का माहौल देखने को मिला तो कहीं पर दर्द के छलकते हुए आंसू देखने को मिले। आप खुद ही देखिए पूरी रिपोर्ट में किस तरह प्रत्याशी टिकट ना मिलने के चलते फूट फूट कर रोए। अब इनका दर्द कौन समझेगा? क्या पार्टी टिकट वितरण पर पुनर्विचार करेगी? चलिए, यह सारी बातें तो आने वाले वक्त पर ही छोड़ते हैं, लेकिन इन नेताओं का क्या होगा जो टिकट की आस लगाए बैठे थे और अब ऐन वक्त पर इनका टिकट काट दिया गया। कोई भाई मर जाता है, एक साल तक दर्जी पे लोग बैठे रहते हैं, तब भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जाकर के वहां से पूछने नहीं जाता है। या कोई चाहे 250 दिन बैठ जाओ, 300 दिन बैठ जाओ, किसी की मौत हो जाए तो भी कोई पूछने नहीं जाता है। बस एक ही काम करना है, कैसे भी कोटपुतली को बचा लीजिए आप सब। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आपको तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने व्यापार खत्म कर दिया, मैं करूंगा परिवार को दान की कुर्बानी। हम आपके साथ हैं। मैं नौकरी कर सकता, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया, क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बैठे हुए आज उस नौजवान की मैंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव के गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे का नहीं है? क्या पैसे वालों को यह अधिकार दिया है? क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी दो दो बार जमानत नहीं बची और दो बार से लगातार पार्टी का विरोधी रहा है? यहाँ तक कि तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2003 से ही जब कांग्रेस का चुनाव इन्होंने लगातार राजेश पायलट और सचिन पायलट के परिवार का वोट भी उसके परिवार में लिखा हुआ है। कहाँ तक विश्वास बीजेपी के पक्ष में उस व्यक्ति पे किया जाए जो बीजेपी का ही नहीं है? कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता उसके साथ लग जाए? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, सदा रहूंगा, लेकिन इस निर्णय के मैं विरोध में हूँ, इस निर्णय के खिलाफ रहेंगे। कोटपुतली के लोग जो मिलकर तय करेंगे, आज एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी गांव-गांव समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मिलेगी और गांव-गांव एक कोटपुतली सम्मान यात्रा ये लोग निकालेंगे। हर उस सम्मान यात्रा के परिणाम के बाद जो भी कोटपुतली का ऐसा कार्यकर्ता जो मजबूत होगा, भले ही मुकेश गोयल हो या कोई भी हो, हमारी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे, किसी को भी वह कमेटी लड़ाए, जी जान से लड़ेंगे और कोटपुतली को राजेंद्र यादव के पंजे से मुक्त कराने का काम करेंगे। या तो भाजपा का निर्णय बदल जाता है, संभावित हमने अनुरोध किया है, उनसे बार बार आग्रह किया है, निर्णय नहीं बदलता है तो कोटपुतली की जनता निर्णय जरूर बदलेगी। देखिए, अभी कार्यकर्ता हम सब लोग ऊपर जाएंगे, मैंने कभी नहीं कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है, हम सब लोग पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, पार्टी में हम पार्टी को हमने खून से सींचा है, पार्टी के साथ रहेंगे, अगर चुनाव भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। जनता कहेगी तो लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा, एक मैंने विश्वास दिलाया है।